हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग ज्योग्राफर में। हम एग्रीकल्चर सॉरी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन में हमने थियरी आगे उसको कंटिन्यू करना था। तो थियरी में इसके पहले हम ट्रांजिशन डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थियरी या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात किए थे और एज स्ट्रक्चर या फिर आयु संरचना की बात किए थे। तो उसके बाद जो बची हुई थियरीज हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम कवर करेंगे माल्थसवाद, नव माल्थसवाद और मार्क्सवाद और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो सबसे पहले हम माल्थस से शुरू करते हैं कि क्या थी, सारी थियोरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले माल्थस, माल्थस साहब जो थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और जनाकीविद थे। तो उन्होंने जो स्टडी किया था माल्थस ने 1798 में, 1798 में उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की, ठीक है, जो क्या कहा गया, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। जब ये जो कि ये प्रिंसिपल जो पॉपुलेशन की बात करता है, तो ये क्या है, एक तरह से जैविक या ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक अवधारणा है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1798 में इन्होंने अपने थियरी के माध्यम से ये बताया था, जो इन्होंने थियरी दी थी, जो जनसंख्या की थियरी थी, इन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या जो होती है वो क्या करती है, जनसंख्या हमेशा जियोमेट्रिकल या ज्यामिति, इसको कहते हैं, या ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। और जबकि जो आपका उसके साथ रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, वो अरिथमेटिक में बढ़ती है। यानी कि दो चीजें इसमें, एक ज्यामिति और दूसरा अर्थमेटिक, यानी कि ज्यामिति और गणितीय। उन्होंने कहा था कि जो ज्यामिति विधि से बढ़ती है जनसंख्या और गणितीय विधि से बढ़ता है संसाधन। इसका मतलब ये हुआ, उनके जो कहने का जो तात्पर्य था कि जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, ओके, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरह से उन्होंने कहा था। जबकि रिसोर्स जो है, रिसोर्स के बढ़ने की स्थिति क्या है, रिसोर्स को हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, रिसोर्स ऐसे बढ़ता है। उन्होंने ये बताया था, इस हिसाब से एक समय आएगा कि जनसंख्या क्या हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल आधार से बढ़ रही, यानी कि दो 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 दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के 16, 16 दुना के 32, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आधार हो गया, जबकि ये जो अर्थमेटिक आधार से जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, रिसोर्स, ठीक है, ये रिसोर्स है और ये पॉपुलेशन है। तो रिसोर्स कैसे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो ये क्या है, एक प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि इन जो जनसंख्या है और रिसोर्स जो है, उन दोनों की बढ़ने की अलग अलग प्रवृत्ति है। जनसंख्या जो होगी वो ज्योमेट्रिकल प्रवृत्ति से बढ़ेगी, जबकि रिसोर्स जो है अर्थमेटिकल प्रवृत्ति से बढ़ेगी, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये रेड वाली लाइन हमने पॉपुलेशन को बताया है और ये रिसोर्स को बताया है। तो ये इनका कहना था। फिर होता क्या है कि इस पे बड़ा विचार होता है। विचार होने पे क्या पता चलता है कि चूंकि 1798 में थियरी आई थी, उसके पहले क्या था, औद्योगिक क्रांति भी थी, ठीक है। तो उसमें खासा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा जो और ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, उसमें क्या था, आप देखेंगे, युद्ध हुए, सूखा पड़े, तो तमाम जनसंख्या क्या हुआ, उसमें हतोहत भी हुई, तमाम जनसंख्या मरी भी। तो उसका मतलब ये है, क्रिटिसिज्म के तौर पे ये आया कि जो जो पॉपुलेशन जो इस तरह से जो आप दिखा रहे हैं कि लगातार इस आधार से बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर बीच में सूखा पड़ गया तो, ठीक है, और बीच में अगर बाढ़ आ गई तो, यानी कि आप कहिए वार हो गया, डाक हो गया और सूखा हो गया, ठीक है, ये तो इन सब चीजों से भी क्या होता है, ये प्रभावित होती हैं। तो ये बात कही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 5 ईयर माल्थस रिवाइज हिज थियरी, 5 साल के बाद उन्होंने अपनी थियरी को रिवाइज किया, जब उन्होंने काफी उस पर समझा। तो समझने के बाद क्या बताया उन्होंने कि ये चित्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारे पास जगह कम है, तो हम देखते हैं।
ये जो इनका जो ग्राफ बन रहा था माल्थस का, उन्होंने क्या किया कि जो ये पॉपुलेशन इधर से रेड वाला पॉपुलेशन जा रहा था, अचानक तेजी से बढ़ते हुए जा रहा था, और इस तरह से ये आपका रिसोर्स बढ़ रहा था, ये रिसोर्स और ये पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, जब 5 वर्ष बाद जब वो रिवाइज करते हैं तो इसको ये इसमें कुछ और भी प्रवृत्ति दिखा देते हैं, ठीक है। और प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि इसमें दो अवस्थाओं में दिखा देते हैं। जैसे आप ये देखिए, अचानक से इन्होंने पॉपुलेशन को क्या किया, घटा दिया। घटा दिया किस कंडीशन में, अगर बाढ़ या सूखा इस तरह की स्थिति आई तो, ठीक है। लेकिन कुछ स्थिति में उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा भी दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। यानी कि अगर उस तरह की प्रवृत्ति आती है, यानी कि हम बात कर रहे थे युद्ध की और सूखे की, और क्या कहते हैं, सूखे बाढ़ की और सूखे की, तो उसमें जब ज्यादा लोग मरते हैं तो पॉपुलेशन नीचे की तरफ भी जा सकती है, और अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये तो रहा था इनका विचार। अब होता क्या है, इनके विचार के जो क्रिटिसिज्म हुए हैं, तो तमाम इसमें बातें होती रही, तो आप इसमें आगे देखेंगे, आगे क्या होता है जब ये रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज करने में एक चीज ये और ऐड करते हैं, कहते हैं कि जो जनसंख्या है, ठीक है, वो जनसंख्या एक और चीज पे डिपेंड करती है। ये तो चीजें हैं ही, वार, डॉट और फैमिन। इसके साथ एक और चीज बताते हैं, उसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं मॉरल रेस्ट्रेंट्स, ठीक है। मॉरल रेस्ट्रेंट्स यानी कि मानवीय मूल्यों की भी बात करते हैं, कहते हैं इस पे थोड़ा सा जोर देते हैं, कहते हैं कि मानव अगर संयम रखे तो पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। तो ये पूरी बात रही हमारी माल्थस की। इसके बाद हम देखते हैं माल्थसवाद के बाद, हम नव माल्थसवाद जो माल्थस का ही समर्थन करता था कुछ संशोधन के साथ, ठीक है, संशोधन के साथ। इनका कहना ये था कि जो माल्थसवाद की जो थियोरी है, जो जो भी थियोरी माल्थस ने दिया है, ठीक है, 70-72 में ये नव माल्थसवाद आया था, इसमें इनका कहना ये था कि अगर हमेशा लागू, ये आप जो माल्थस की थियोरी है, ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि कहीं लागू ना हो, या फिर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कर देंगे, ठीक है, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर देंगे। उनका ये कहना था नव माल्थसवादियों का कि अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो जिस तरह से माल्थस का एक मामला था कि ये ज्यामिति जो आकार था और ये गणितीय आकार था, इस आकार की जो बात कर रहे थे, तो ये तो आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो है कि ये जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, ये लागू होगी ही। क्यों? क्योंकि नव माल्थसवादियों का जो नियो माल्थिसिज्म थे, उनका कहना ये था कि जो रिसोर्स हैं उसके क्या एक एक उनकी तन्यता की एक सीमा है, ठीक है, और उसी नव माल्थसवाद के तहत ही उन्होंने 1972 में, ठीक है, 1972 में क्लब ऑफ रोम्स में ये लोग क्या करते हैं कि एक पत्रिका प्रतिपादित करते हैं, जिसका जिसका शीर्षक होता है लिमिट टू ग्रोथ, या वृद्धि की सीमाएं, ये 1972 में। ओके, इसमें मिडोज का नाम सर्वप्रमुख है, प्रतिपादन में इनके जो सहयोगी थे रेंडर्स और बैरेंस, ये लोग थे। तो इसमें लगातार इनका कहना ये था कि माल्थस की थ्योरी बिल्कुल सही है, कुछ हद तक आप रोक सकते हैं, लेकिन फिर फाइनली क्या होना है, फाइनली वही होना है जो मंजूर खुदा होना है। तो सीधी सी बात है कि आप एग्रीकल्चर बढ़ा देंगे, इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, कुछ दिन के लिए आप अपनी पॉपुलेशन को संभाल लेंगे, तो जो नव माल्थसवादी थे, नव माल्थसवादियों ने क्या किया था कि जो उनका पहले का जो ग्राफ था, ग्राफ जो माल्थस का था, ठीक है, माल्थस का ग्राफ क्या कहता था, कुछ इस तरह से कहता था कि ऐसे जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा क्या था, जो संसाधन था, यानी कि इधर टाइम से हिसाब से ये क्या है, प्रोडक्टिविटी हो जा रही है, ठीक है, और जबकि ऐसे बढ़ना था क्या, संसाधन को बढ़ना था, या फिर ज्यादा सीधा हो गया, मैं इसको थोड़ा और संसाधन को बढ़ा देता हूं, ये लीजिए, ये कहना था। और लेकिन
नवमाल्थसवादियों का क्या कहना था कि आप जो कर रहे हैं ये जो अचानक से ठीक है अचानक से जो ये उठाव दिख रहा है ये इसको बैलेंस कर दे रहा है। उनका क्या कहना था कि ये जो रिसोर्स है जो प्रोडक्टिविटी है रिसोर्स या प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं और ये क्या है पॉपुलेशन ठीक है। उनका ग्राफ ये था नव मार्क्सवादियों का। उनका कहना था कि थोड़े समय के लिए ये क्या है ये क्यों बढ़ा ये बढ़ा क्योंकि ये समय जो रहा मान लिया ये क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर इसको क्या कहते हैं औद्योगिक काल कह सकते हैं औद्योगिक काल ठीक है। यानी कि आपने कुछ दिनों के लिए भले ये ग्राफ आपने बना लिया हो लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा अंततः ये स्थिति होगी ही होगी क्योंकि रिसोर्स के भी आगे बढ़ने की उनकी भी क्या एक तन्यता की शक्ति है एक समय आएगा। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि लगभग 250 साल में जो जो नए जो क्या बोलते हैं रिन्यूएबल हैं मार्क्सवादियों ने बताया कि जो 250 अगले 250 साल बादों में क्या होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के ज़्यादातर स्रोत खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या पॉपुलेशन समस्या में पड़ जाएगी। अब देखते हैं तो ये तो हो गया नौ माल्थस वालों का ग्राफ। इसमें जो उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ की उनकी जो समस्याएं थी लिमिट टू ग्रोथ पे बात करते हैं और कुछ विशेष बातों की बात करते हैं। इन्होंने पहले इनकी मुख्य बातें मैं लिख देता हूँ एक दो पॉइंट इनके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये जब नव माल्थसवाद के तहत इन्होंने पत्रिका जो प्रतिपादित की थी मीडोस रेंडर्स और बहरेंस ने मिलकर पहले ये बता दूं कि ये चार पांच चीजें इसके मुख्य बिंदु थे ठीक है। यानी कि जो चर्चा का बिंदु था पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रवृत्ति पे विषय पे चर्चा हुई पर कैपिटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे और पर कैपिटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी पे एंड नेचुरल रिसोर्स पे और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे। इनका कहना ये था कि इन चीजों पे काफी चर्चा हुई जिसमें पॉपुलेशन को एक मुख्य मुद्दा के रूप में रखा गया ठीक है और रिसोर्स को तो इसमें ये बताया गया कि एक प्रवृत्ति है एक ग्रोथ करने की क्या है लिमिट है और उस लिमिट में अगर जनसंख्या को अगर ढंग से रहना है अगर दुनिया को अगर सही से रहना है तो उसमें क्या है वर्ल्ड को क्या करना होगा वर्ल्ड को ये करना होगा कि 2050 तक ठीक है जीरो पॉपुलेशन वृद्धि अपनानी पड़ेगी यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति होनी चाहिए ठीक। अब देखते हैं इसमें एक दो बात और जो इसकी खासकर जो नव माल्थसवादी हैं नव माल्थसवादियों की एक दो बात हम नोट कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी क्या है अंतरिक्ष में घूमते हुए यान की तरह है ठीक है इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कई बार कोटेशन में पूछ लेता है पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए यान की भांति है ठीक है भांति है और जिसके जिसके संसाधन सीमित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये कभी भी कोटेशन में पूछ दिया जाता है। और दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखो दूसरे कोटेशन में जो हम बात करते हैं तो इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया कि जो जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है वो वैश्विक विध्वंस पैदा करती है ठीक है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वैश्विक विध्वंस पैदा करती है विध्वंस ठीक है विध्वंस की स्थिति पैदा करती है। इसको क्या बोलते हैं वैश्विक विध्वंस को ग्लोबल कोलैप्स ठीक है। ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रही इसकी। तो ये हो गया माल्थसवाद और नव माल्थसवाद ये इतना काफी है आपकी परीक्षा के लिए। अब तीसरी जब हम बात करते हैं तो 1867 में हम बात करेंगे मार्क्सवादियों की या फिर लेनिनवादियों की। देखिए मार्क्सवाद और लेनिनवाद ये मार्क्स और लेनिन इसमें काम जो मार्क्स थे वो भी ब्रिटेन के ही थे। उनका कहना क्या था कि ये वो आप ये जो माल्थसवाद हैं ये माल्थस के ये क्या थे ये सबसे बड़े क्रिटिसिज्म थे क्रिटिक्स थे ठीक है आलोचक थे
आलोचक कहते हैं, ठीक है। तो जब आलोचक, इनका कहना ये था कि ये जो जनसंख्या की प्रवृत्ति जो आप बता रहे हैं कि जो प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो ऐसी प्रवृत्ति कुछ नहीं होती है। प्रवृत्ति के लिए इनका कहना ये था कि जो इन्होंने जो जनसंख्या के बढ़ने की जो प्रवृत्ति बताई है, यानी कि ज्योमेट्रिकल बताई है, ज्योमेट्रिकल बताई है, ठीक है, तो ये प्रवृत्ति को उन्होंने क्या किया, नकार दिया। उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और जनसंख्या वृद्धि जो होती है और केवल वो क्या होता है, पूंजीपति और गरीबों के बीच का अंतर संबंध होता है, यानी कि जितना पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा आपका जनसंख्या, ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, बेरोजगारी, ये ठीक है। ये इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या, यानी कि मार्क्स का कहना यह था कि जो भी जनसंख्या संबंधी आप समस्याएं जो बता रहे हैं, वो समस्या आपको उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, उसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। वो क्या है, वो पूंजीवाद या फिर जो प्रतिकूल औद्योगिक संरचना है, प्रतिकूल आर्थिक संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, उस वजह से ये पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजीवाद के बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। इसमें इनकी महत्वपूर्ण शब्दावली है, क्या कहते हैं, शोषित बनाम शोषक, और फिर इसमें जनसंख्या की बात कही जाती है। इनका कहना ये है कि बार बार इसमें कुछ प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति क्या होती है कि जो लेबर कास्ट होता है, जो गरीब वर्ग होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि अगर हमारे परिवार में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम लोग ज़्यादा धनार्जन करेंगे, ये लोग सोचते हैं। ये गरीब वर्ग में ये पहले उस समय की बात हो रही है, तो उस समय ऐसी ही अवधारणा थी, अब तो अवधारणाएं काफी बदल गई हैं। उस समय तो कार्ल मार्क्स का उस समय के परिप्रेक्ष्य में यही मतलब था कि ऐसा होता है कि गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमा कर लाएंगे, अर्निंग करके लाएंगे, तो और जबकि अमीर क्या करता है, अमीर जो है कि हमेशा जो इनका प्राइस है, प्राइस को हमेशा क्या रखता है, न्यूनतम रखता है, यानी कि लेबर कास्ट को हमेशा न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, ताकि ये जो श्रमिक है उनकी सप्लाई बनती रहे। ये इनका कहना था मार्क्स का। इसमें हम एक दो बातों की और बात कर लेते हैं। जो ये सार्वभौमिक नियम की बात कर रहे थे, जो प्रवृत्ति की बात कर रहे थे, ठीक है, इनका सबसे मुख्य आलोचना यही थी, क्योंकि इनको स्पेशली ठेस पहुंचा था प्रवृत्ति से ही, कि जनसंख्या बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि उसके पीछे कोई विशेष, जो माल्थस महोदय थे, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को पीछे कुछ विशेष कारण नहीं बताया था। उन्होंने बस ये बताया था कि सीधे सीधे प्रवृत्ति है, मतलब कि ये ऐसे ही बढ़ता है। तो इस पे मार्क्स का विरोध था या आलोचना थी, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सी बात। अब आते हैं मार्क्सवाद हो गया, अब आते हैं अनुकूलतम जनसंख्या पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुकूलतम जनसंख्या। एडविन केनन, ठीक है, एडविन केनन का आपको नाम याद रखना है, एडविन केनन, ठीक है। ये एडविन केनन का क्या कहना था, इन्होंने जब अपनी थियरी दी अनुकूलतम जनसंख्या या फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है, हाँ, इसमें इनका कहना ये था एडविन केनन का कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना ये था, जैसे आप देखिए, मैक्सिमम पर कैपिटा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट एंड हाईएस्ट HEHI, हाईएस्ट पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये दो चीजों की बात किए थे अनुकूलतम जनसंख्या में, कौन बात किए थे, एडविन केनन का कहना था, यानी कि दो बातें, एक और दो, मैक्सिमम पर कैपिटा आउटपुट यानी कि इनकम, हाईएस्ट पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन प्रत्याशा रहने का तौर तरीका, दो चीजों के बाद क्या है, इन गिवन जो भी उस समय की कंडीशंस है, कंडीशन गिवन क्या, इकोनॉमिकल और एंड
इंडस्ट्रियल कंडीशन जो भी कह लें या फिर सोशल कंडीशन, सारी कंडीशन को, जो भी कंडीशन उस समय की थी। तो इस तरह से दो बातें हो गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। अनुकूलतम जनसंख्या में, अनुकूलतम जनसंख्या में दो तीन लोगों का नाम और आता है, और उसमें जो बड़े नाम आते हैं, जो एक रॉबिन्सन की बात होती है, ठीक है, प्रकाश अंडर्स में, एक एक नाम लिख देता हूं, ये परीक्षा में पूछा गया था, रॉबिन्सन एक हो गए, कार सैंडर्स और एक डाल्टन, ठीक है, इनकी तीन लोगों की, इनका सबका अनुकूलतम जनसंख्या को लेकर अलग अलग मत था। तो अलग अलग मत में सबसे पहले हम रॉबिन्सन की हम इनका क्या कहना था कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में जो ये बताते हैं, तो सबसे जो भी इनका एक्सपीरियंस लेके ये बताते हैं, कहते हैं कि प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन। और दूसरे कहते हैं कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण, प्रति व्यक्ति अधिकतम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, अभी परीक्षा में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर ने, अधिकतम आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, ठीक है। और डाल्टन कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए ये तीन लोगों का नाम, यानी कि किस बारे में ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं अनुकूलतम या ऑप्टिमम जनसंख्या को लेकर, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या, किन परिस्थितियों में अनुकूलतम जनसंख्या होगी। रॉबिन्सन का कहना था कि प्रति व्यक्ति, मतलब जनसंख्या ऐसी हो जो प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन करे, यानी कि अधिकतम जब उत्पादन होगा तो जनसंख्या अनुकूलतम होगी। इसी तरह से सैंडर्स का कहना क्या था कि जब अधिकतम आर्थिक कल्याण लोगों का होगा तो क्या होगा, उसको अनुकूलतम अवस्था कहेंगे। इसी तरह से डाल्टन का कहना था और केनन का भी यही कहना था, ठीक है। इसके पहले जब हम बात कर रहे थे, इसको आप केनन भी यहाँ पर लिख लीजिए, केनन का भी यही कहना था, डाल्टन की इनसे सहमति थी। और इस थियरी में एक सूत्र बहुत ही फेमस हुआ जो एम इक्वल टू ए माइनस ओ अपान ओ, जिसमें ये कहा गया है असंतुलन की अवस्था या माल एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट, ये हो गया एम, और ए को कहा गया एक्चुअल, एक्चुअल पॉपुलेशन हो गया, और ओ को कहा गया ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या ये हो गया और वास्तविक जनसंख्या, और ये क्या हो गया, संतुलन की अवस्था। अगर इस हिसाब से अगर कहीं पे जो एक्चुअल जनसंख्या है टोटल 120 है, जबकि वहां पर रहने लायक जो है वो कितना है, मान लीजिए केवल 100 लोगों का रहने की जगह है, लेकिन वहां पे 120 लोग रहते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, अब देखिए, और ये 20/100 होगा, 20/100 हुआ, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2/10, यानी कि यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 0.5 है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है, यानी कि 100 लोगों की रहने की जगह है जबकि 120 लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जनाधिक की अवस्था है। जब यही वैल्यू जब कम आती है तो यानी कि न्यूनतम पॉपुलेशन की अवस्था होती है, और जब यही वैल्यू लगभग बराबर आती है तो क्या होता है कि उसको अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक सिंपल से साधारण भाषा में ये समझ लें कि एक अगर तराजू रखते हैं, ठीक है, एक तराजू रखते हैं, तो अगर एक तरफ हम रिसोर्स रखते हैं और एक तरफ पॉपुलेशन को रखते हैं, ये जो अभी अभी जो थे हम बात कर रहे थे, यम इक्वल टू ए माइनस ओ अपान ओ की बात कर रहे थे, तो उसमें अगर रिसोर्स अगर बढ़ जा रहा है और जनसंख्या ऊपर हो जा रही है तब भी संतुलन नहीं है, पॉपुलेशन अगर बढ़ जा रहा है जब रिसोर्स कम हो जा रहा है तब भी संतुलन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये दोनों स्थिति, जब ये आपका कांटा पूरा सीधा रहेगा, ये डंडा सीधा रहेगा,
तभी इसको अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, तो बस आज जनसंख्या की सारी थ्योरीज हो गई। इसके बाद हम बहुत जल्दी ही माइग्रेशन, जिसमें जितने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी बता दी और इसके अलावा बाहर इसके क्वेश्चन नहीं जाते हैं, तो इसके बाद हम माइग्रेशन पे देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी परीक्षा आने वाली है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।